बिसम रक्मानी रहीम स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास मेथड क्या है कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है कलेक्शन ऑफ डेटा कितनी टाइप्स में क्लासिफाइड हो रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा अब हमने मेथड्स को डिस्कस करना है कि मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा हमारे पास क्या है अब हम मैथड्स को डिस्कस करेंगे कि मैथड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा हमारे पास क्या है तो स्टूडेंट मेन हमारे पास सिक्स मैथड है एक डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है एक इनडायरेक्ट औरल इन्वेस्टिगेशन है थर्ड रजिस्ट्रेशन है फोर्थ एस्टिमेट थ्रू लोकल कॉरिस्पोंडेंट है इन्वेस्टिगेशन थ्रू इनरेटर्स है मेल्ड क्वेश्चन एयर मैथड अब स्टूडेंट यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हमारे पास एन इन्वेस्टिगेटर कुलेक्ट इन्फॉर्मेशन पर्सनली फ्राम द इंडिविजुअल कंसर्न सिंस ही इंटरव्यूज द इन्फॉर्मेट हिमसेल एंड इन्फॉर्मेशन कोलेक्ट इज जल्दी कंसिडर क्वाइट एक्ोरेट एंड कंप्लीट दिस मैथड प्रूव वेरी कॉस्टली इन टाइम कंज्यूमिंग वैन द एरियाज टू too much to cover is too much waste स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती क्या है देखो डायरेक्ट पर्सनल ठीक है इट्स मीन आपने जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आपने फेस टू फेस पूछने हैं डायरेक्ट उसी पर्सन से पूछने हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो आपने अदर सोर्सेज यूज नहीं करने है अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आ, जाना है और मैंने टेन स्टूडेंट्स की हाइट मालूम करनी है मेरे पास फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं तो मैं क्या करूँगी मैं उन टेन स्टूडेंट्स के पास जाऊंगी डायरेक्ट और खुद इंफॉर्मेशन लूंगी तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन

वर ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर के, के, के होंगे के ट्रू वैल्यू के इक्वल होंगे अब इसमें एक हमारे पास जो बैक आप कहते बैक हो ना कि ड्रॉ ड्रॉबैक है आपके पास जो नुकसान है वो आपके पास क्या है डिसएडवांटेज जो आपके पास है कि अगर पॉपुलेशन शॉर्ट है देन तो गुड है ठीक है ये क्वेश्चन ठीक है लेकिन अगर ये मेथड आपने यूज करना है फॉर द वास्ट पॉपुलेशन के लिए फॉर द लार्ज पॉपुलेशन के लिए देन आपके लिए क्या हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा कॉस्ट बहुत ज्यादा आपको स्पेंड करनी पड़ेगी सफर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा मेंटल स्ट्रेन होगा आप इजिली उसको नहीं कर पाओगे तो दिस मेथड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन के लिए ये अच्छा नहीं है कि हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट ईच एंड एवरी पॉपुलेशन के सैंपल को नहीं फिर कलेक्ट कर सकते डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो जाता है अब इनडायरेक्ट औरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है स्टूडेंट इनडायरेक्ट क्या हम कहते हैं कि जब हमें डायरेक्ट सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते तो फिर हम मेथड यूज करते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट औरल इन्वेस्टिगेशन अच्छा इसमें क्या होता है कि सम टाइम द डायरेक्ट सोर्सेज जो हैं डू नॉट एग्जिस्ट करते हैं और द हेजिटेट टू टू सम अदर और जो हमारे uh, क्या कहते हैं हैं कि informants होते जिससे हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो सम रीजन uh, की वजह से हेजिटेशन फील कर रहा होता है हेजिटेट फील कर रहा होता है वो हमें करेक्ट आंसर नहीं दे पाता इन सच अ केस थर्ड पार्टीज और द हैविंग द इंफॉर्मेशन और आर इंटरव्यूड एज सम ऑफ द इमेंट आर लाइकली डेलिबरेटली गिव रॉन्ग इंफॉर्मेश So the reliance is not placed on the evidence of the witness only. Now, sometimes. हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं होते अगर होते भी हैं फॉर दो फॉर द सम रीजंस की वजह से वो फील हेजिटेशन फील करते हैं दे आर नॉट गिविंग द ट्रू वैल्यू ठीक है तो फिर हम क्या करते हैं हम मेथड चूज़ करते हैं इन डायरेक्ट औरल इन्वेस्टिगेशन का इन डायरेक्ट औरल इन्वेस्टिगेशन में हम थर्ड पर्सन को गवाह बना के उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या यहाँ जो हमने इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो ये ठीक है या नहीं है या क्या इन्फॉर्मेशन उनसे हम जाके क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आजादाना गलत रिस्पांस दे रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड इन्वेस्टिगेशन में एरर आने के चांसेस हो जाते हैं तो ये आपके पास जरा सा डिफिकल्ट मेथड हो जाता है तो ये तो हमारे पास हो गया इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन अब इसीलिए मैं आपको कहती हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूं कि गवर्नमेंट सर्वेंट डू नॉट डिसक्लोज देयर इनकम फ्रॉम पार्ट टाइम वर्क एंड द बिजनेस सेल्डम डिसक्लोज देयर ट्रू इनकम टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि जैसे कि टैक्स टैक्स के डर से हमारे बहुत सारे बिजनेस मैन ऐसे हैं जो कि अपनी ट्रू इनकम दर्ज ही नहीं करवाते रजिस्टर नहीं करवाते हैं ठीक है तो हमें जो चीज़ हम डायरेक्ट उनसे अगर पूछने भी जाते हैं तो दे आर शोइंग द रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो वो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन शो करेंगे देन यू टेकिंग द अदर मैथड इन डायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन आप सेलेक्ट करते हो एंड आप थर्ड पार्टी से पता करते हो कि इसकी इनकम कितनी है बिकॉज uh, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि उनको टैक्स कम से कम पे करना पड़े इन सच अ सिचुएशन इंफॉर्मेशन इज कोलेक्टेड ऑन द एविडेंस ऑफ पर्सन और पार्टीज पोज टू नो द फैक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ऑर्डर टू अव्यूड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वन गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन डेलीबरेटली एविडेंस ऑफ मोर न वन पर्सन इज रिकॉर्डेड दिस मैथड इज यूज वेन द इंफॉर्मेशन टू बी कुलेक्टेड इज कम्पलेक्सरी हमारे पास अब इनड और यह हमारे पास कहां बेटर परफॉर्म करती है देखिए अगर हमारे पास एक तो जो हमारे पास आपको पता चलता है कि सोसाइटी है जिस तरह के इनकम का बता रहे थे कि दे आर नॉट शोइंग देर गुड इंफॉर्मेशन या ट्रू इंफॉर्मेशन तो देन आप क्या यूज़ कर रहे होते हो इन डायरेक्ट औरल इन्वेस्टिगेशन यूज़ कर रहे होते हो तो यहाँ आपका मैथड जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स दे रहा होता है कि जहाँ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना आपको मुश्किल हो रहा होता है वहाँ इन डायरेक्ट औरल इन्वेस्टिगेशन आप यूज़ करके ईजिली अपनी इन्फॉमेसन कलेक्ट कर लेते हो देन हमारे पास मैथड आता है रजिस्टर देखिए आप कहीं भी जाते हो ना आपके एडमिशन लेने जा रहे हो आप रजिस्ट्रेशन फी पे कर रहे हो तो रजिस्टर करवा रहे होते हो तो इसमें हमारे पास जो मेन चीज है ना वो कहते हैं इन दिस मैथड इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वेन और शॉर्टली आफ्टर इवेंट अकर्स कोई भी इवेंट अकर हो रहा है आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो हत्या कि हमारे इस दुनिया में आने से और ये इस दुनिया से जाने तक ये रजिस्ट्रेशन हो रही होती है कि जब बच्चा पैदा होता है द बर्थ एंड द डेथ रेट आर रजिस्टर्ड होते हैं जब बच्चा पैदा हो रहा है तो रजिस्टर रजिस्ट्रेशन हो रही है जब डेथ हो रही है किसी की तो वो भी डेथ आपका सर्टिफिकेट जो है बन रहा होता है तो ईच एंड एवरी आपके पास म्यूनसिपल कमेटी एंड कॉरपोरेशन इन अर्बन एरियाज़ एंड यूनियन काउंसिल इन रूरल एरियाज़ में आपके पास रजिस्टर हो रही होती है दिस मेथड इज यूजली यूज्ड फॉर वाइटल इवेंट्स सच एज द डेथ बर्थ मैरिजस डिवोर्सेस सिकनेस एक्स्ट्रा अब ये मेथड कहाँ आपके पास बेटर यूज होते हैं अगर आपने डेथ रेट्स मालूम करनी है बर्थ रेट मालूम करनी है तो वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो है सबसे बेस्ट मेथड है बिकॉज़ आप इधर रजिस्टर करवा रहे होते हो

पर्सनल जजमेंट के तहत आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो एस्टिमेट लगा के तो आपको सेंड कर देते हैं ये हमारे पास एक तो क्या होता है कि नॉट कॉस्टली नहीं होता टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है ईजिली आप लोकल uh, कॉरिस्पॉन्डेंट के पास जाते हो या उसको इंफॉर्मेशन uh, सेंड करते हो कि हमें ये ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज़ करते हुए आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को एस्टिमेट करते हुए आपको सेंड कर देते हैं तो ये मैथड बहुत ज़्यादा ईजी है कॉस्टली नहीं है कॉस्ट कम लगती है टाइम कंज्यूमिंग नहीं है आप इजिली टाइम सेव करके अपना जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप इजीली फाइंड कर सकते हो देन हमारे पास आ जाता है कि लेकिन ये सब्जेक्टिव मेथड है क्योंकि पर्सनल जजमेंट यूज हो रही है तो यहाँ एर आने के चांसेस भी जरा हो जाते हैं देन इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन क्या होते हैं देखो इन हमारे पास होते हैं स्पेशल ट्रेन पर्सन को कहते हैं ठीक है थीके? कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन नोमेरिटर्स यहाँ जो आंसर आने के चांसेज होते हैं वो एक्ोरेट आने के चांसेज होते हैं क्योंकि इन आपके पास क्या होते हैं ट्रेनड पर्सन होते हैं ट्रेन पर्सन जिनको ईच एंड एवरी थिंग सिखाई जाती है कि हमने डेटा को कैसे कोलेक्ट करना है रिप्रेजेंट कैसे करना है एनाल कैसे करना है उसको ऑब्जर्व कैसे करना है वो तमाम चीज़ें इन इनोमेरेटर्स को बताई जाती हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है कि हम कहते हैं इन दिस मैथड इंफॉर्मेशन इज कोलेक्टेड थ्रू ट्रेन इनोमेरेटर्स द इन्वेस्टिगेटर्स गेट द फॉर्मस ऑफ इंक्वायरी कॉल्ड शेडूल्स फिल्ड इन फ्राम द इन्फॉर्म दसिसटेंट द इन्फॉर्म इन फिलिंग इन द शडूल क्रेक्टली और फिल द शेडूल्स आंसर टू द क्वेश्चन इन द शडूल अब हमारे पास क्या होता है कि दिस मैथड इज कंसिडर टू बैरेट एंड एक्सपीडिश ये हमारे पास एक्यूरेट मैथड कहते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी दैट इज एरेट बिकॉज दे आर कोलेक्टेड थ्रू इंडोमेरेटर्स हैं स्ट्रेन पर्सन से कोलेक्ट की जा रही है दिस मैथड इज कंसिडर टू बी एकोरेट है इट इज यूज इन लार्ज स्केल गवर्नमेंट इंक्वायरीज लाइक पॉपुलेशन सेंसिस पॉपुलेशन सेंसेस में दिस मैथड इज यूज होता है ठीक है दिस मैथड इज हाउ वेरी कॉस्टली है पर हैपस ओनली आ गवर्नमेंट एजेंसी कैन अफोर्ड टू यूज इट इन वेरी इंपॉर्टेंट इंक्वायरी अब कॉस्टली कैसे है? जब आप स्पेशल ट्रेन पर्सन उनको एक तो आप, आप क्या कर रहे हो ट्रेन कर रहे हो ठीक है आफ्टर द ट्रेनिंग आप उनको सैलरीज भी दोगे ठीक है देन आप फॉर्म्स लोगे फिर आप फिल करने के लिए भेजोगे उनका टाइम भी कंज्यूम आप करोगे ठीक है आप कॉस्ट भी उस पर खर्च कर रहे हो तो यह हमारे पास कहे कि यह वो मैथड है जो कि हम मेजॉरिटी uh, जब हमने पॉपुलेशन सेंसेस जो आपकी पॉपुलेशन काउंट करनी होती है उस वक्त गवर्नमेंट अप्लाई कर रही होती है एंड दिस मैथड ऑनली अफोर्ड द गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो ये आम जो हमने अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो हम इजिली इसको नहीं करेंगे हम बल्कि अदर मैथड जो है सेलेक्ट करेंगे अब मेल क्वेश्चन एयर मैथड हमारे पास क्या होता है कि क्वेश्चन विद द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आर सेंड बाई मेल द इन्फॉर्मेंट्स फील इन द क्वेश्चन ईयर्स इन रिटर्न दैन दिस मैथड इज़ वेरी चीप एंड एक्सपेडिश अच्छा ये बड़ी ही आपके पास क्या हो जाता है कि मेल्ड क्वेश्चन ईयर एक तरह से फ़ायदेमंद भी है और समाइम हमारे पास डिसएडवाटेजेस भी आ जाते हैं मेल्ड ए क्वेश्चन ईयर मैथड अब देखो इसमें एक मेल सेंड की जाती है मेल आपके पास ठीक है उसमें डिफरेंट क्वेश्चन लिखे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सिक्स क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो उस मेल में आपके पास क्या होगा सिक्स क्वेश्चन गिवन होंगे और आंसर की जगह आपके पास दी होगी कि आपने इधर आंसर पुट करने अब आपने क्या करना होता है कि उस मेल को फिल करना होता है फिल करके आंसर के क्वेश्चन दे के और आपने अगेन रिटर्न करना होता है सेंड करना होता है मेथड इस तरह से इजी तो बहुत है आपको रिजल्ट भी अच्छे दे देता है ठीक है लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जिनको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही होती है या जो कोई हेजिटेशन फील कर रहे होते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर देने में तो वो क्या करते हैं वो स्किप कर देते हैं आंसर स्किप कर देते हैं उसका आंसर लिखते ही नहीं है तो वह हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना वो हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते जिसकी वजह से हम दोबारा मेल को सेंड करते हैं अगेन और रिक्वेस्ट करते हैं पीपल से कि प्लीज़ ये क्वेश्चंस आप हमें अगेन फिल करके दें ताकि हम अपने जो इंक्वायरी है उसको अच्छे तरीके से कर सकें तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है बट अदरवाइज ये बहुत ही आ, आप कहते हो कि टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है कॉस्ट को भी सेव कर रहा होता है टाइम को भी सेव कर रहा होता है और बेटर है कि आप एक ई मेल में आप पाँच से छः क्वेश्चन ईजिली पूछ सकते हो और वो अगर आपके पास जो इंफॉर्मर्ट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है तो वो इसे अच्छे तरीके से फिल करके अगर भेज देता है आपको तो आप आ, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास थे मेथड फॉर द प्राइमरी डेटा के लिए आई होप आपको इन मेथड्स की समझ आई होगी लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो तब तक के लिए अल्लाह